पूछो पहलवान सिंह, क्या पूछने आए? मैं आपसे पूछने नहीं, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मेरे को आपकी जरूरत नहीं है। अब मेरे को ना ऐसी डाइट मिल गई है जिससे मैं जब चाहे तब वेट लॉस कर सकता हूँ। अच्छा, कौन सी डाइट? इंटरमिटिंग फास्टिंग। और ये कोई डाइट नहीं है, ये लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल। वाह भाई, कौन से वाले इंटरमिटिंग फास्टिंग करने वाले हो? राज भाई, पढ़ तो सब कुछ लिया मैंने इसके बारे में, सब कुछ पढ़ दिया इंटरनेट पर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा यार कि मतलब ये डाइट करूं कैसे, क्या करूं क्या नहीं करूं। राज भाई, एक लास्ट बार हेल्प कर दो ना यार, प्लीज। चल मैं तुझे समझाता हूँ। देख, वेट लॉस करना ना अपने आप में काफी बड़ा चैलेंज है, तेरे लिए नहीं और भी लोगों के लिए। और तू कोई भी डाइट करे उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कैलोरीज कैलकुलेट करना, 6 से 7 मील लेना पूरे दिन में, और पूरे दिन की मील प्लानिंग करना, जो कि आज की बिजी लाइफ में ना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे में आती है इंटरमिटिंग फास्टिंग, जो पहले से ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है और बहुत ज्यादा वेट लॉस करने का क्लेम करती है। तो चलिए मैं आपको जल्दी से बताता हूं इंटरमिटिंग फास्टिंग के डिफरेंट टाइप्स। तो सबसे पहले आता है 16:8 मेथड। इसमें आप 8 घंटे तक खाते हो और 16 घंटे तक फास्टिंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 बजे से खाना खाना शुरू करा तो आप रात के 9 बजे तक खाना खा सकते हो। इसके बाद आप 9 बजे से अगले दिन के 1 बजे तक कुछ नहीं खाते। इस टाइम पीरियड में आप फास्टिंग करते हो, भूखे रहते हो। 5:2 फास्टिंग। इस फास्टिंग में आप वीक में सिर्फ 2 बार फास्टिंग करते हो, जिसमें आप अपनी कैलोरीज 500 से नीचे या उसके आसपास रखते हो। मतलब आप हफ्ते में 2 बार फास्टिंग कर सकते हो, लेकिन लगातार 2 दिन फास्टिंग नहीं कर सकते। तो अगर आपने मंडे फास्टिंग किया तो ट्यूसडे आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा। उसके बाद आप वेंसडे थर्सडे कभी भी आप फास्टिंग कर सकते हो, लेकिन ये फास्टिंग काफ़ी आसान है क्योंकि इसमें आपको हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार फास्टिंग करनी होती है। ऑल्टरनेटिव डे फास्टिंग। इस फास्टिंग में आप 1 दिन छोड़कर 1 दिन फास्टिंग करते हो। इस डाइट में भी आपको अपनी कैलोरीज को 500 के अराउंड रखना होता है। ईट स्टॉप ईट मेथड। राज भाई यार, मेरे को ये सब नहीं जानना है यार, अब मेरे को ये बताओ इनमें से कौन सा मेथड करना है मुझे। बस मेरे को ना फटाफट रिजल्ट चाहिए, फटाफट यार। 2 महीने से खा खा के ना, ये देखो पेट सा निकल गया यार। अपने को 6 पैक चाहिए अब, और वो भी सुपर फास्ट। कौन सा मेथड करूं जल्दी बताओ। देख, अगर तू कैलोरीज कंट्रोल करता है एंड कंसिस्टेंट रहता है तो इसमें से कोई भी मेथड तेरे लिए वर्क करेगा। ज्यादातर लोग 16:8 वाला मेथड फॉलो करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपल है एंड इजी है। चल हम बात करते हैं 16:8 की फास्टिंग की। ये सबसे ज्यादा कॉमन है। तो ये काम कैसे करती है? जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी कुछ एनर्जी को स्टोर कर लेती है फ्यूचर यूज के लिए, लेकिन जब हम 16 आवर तक फास्टिंग करते हैं तो वो स्टोर्ड एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, एंड तब हमारी बॉडी फैट को यूज करती है एज ए एनर्जी सोर्स। स्टोर्ड फैट को यूज करती है। कीटो डाइट भी इसी तरीके से वर्क करती है, स्टोर्ड फैट को एज ए एनर्जी सोर्स यूज करके। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल के लिए। अबे लेकिन एक बात बता, तूने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है? बिल्कुल सब्सक्राइब किया मैंने आपका चैनल फिट कैट, और सारी वीडियोस देखी है मैंने आपकी। जैसे 16:8 की फास्टिंग है ना, इसके और भी टाइप्स हैं, जैसे 18:6, 20:4 एंड 22:2। तो जहां आप इस डाइट में 16 आवर्स तक फास्टिंग करते हो, आप 22:2 के अंदर 22 आवर्स तक फास्टिंग करते हो। अगर तुझे इस तरह की डाइट करनी है ना, तो पहले यार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लियो, तुझे कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, क्योंकि इस टाइप की डाइट काफी एक्सट्रीम एंड डेंजरस हो सकती है। यार ये डाइट मस्त है भाई, 16 घंटे फास्टिंग करो और 8 घंटे कुछ भी खाओ, दबा के खाओ। भाई मैं तो आलू के पराठे खाऊंगा। यही तो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं इस फास्टिंग के अंदर, कि 16 आवर्स की फास्टिंग के बाद वो जो उनकी ईटिंग विंडो होती है 8 आवर्स की, उसके अंदर वो बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से वो कैलोरीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते हैं, और वेट लॉस भी नहीं कर पाते। समझा पहलवान सिंह? हाँ भाई। सेकेंड मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि अपनी 8 आवर्स की ईटिंग विंडो के अंदर वो कुछ भी खाते हैं, कैसा भी खाते हैं। तो तेरे को एक बात समझनी पड़ेगी कि तुझे हेल्दी खाना है, तू अनहेल्दी और अनबैलेंस्ड मील नहीं खा सकता। तेरे को खाने ज़्यादा वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड ज़्यादा प्रोटीन एंड बैलेंस्ड मील। भाई अब वेट लॉस करना है तो थोड़ा करना पड़ेगा, ये तो मैं कर लूंगा भाई,
लेकिन वीकेंड्स पे तो पार्टी कर सकता हूँ ना, फ्राइडे नाइट से लेकर संडे नाइट तक पार्टी, जो मेरा मन करे खा सकता हूँ ना। और भाई वो संडे को थोड़ा वो मतलब वो हो जाता है यार थोड़ा, आप समझ रहे हो ना। पहलवान सिंह, इंटरमिटिंग फास्टिंग ऐसे वर्क नहीं करती है। जब आप खाना खाते हो आपकी बॉडी कार्ब्स को स्टोर कर लेती है एज ए एनर्जी सोर्स फॉर फ्यूचर यूज, जिसको हम ग्लाइकोजन भी बोलते हैं। जब हम इंटरमिटिंग फास्टिंग करते हैं तो वो स्टोर्ड एनर्जी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, एंड तब आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट को एज ए एनर्जी सोर्स यूज करना शुरू करती है। और ये ऐसे नहीं होता कि आपने आज से इंटरमिटिंग शुरू करा और आज से आपकी बॉडी ने फैट को बर्न करना शुरू कर दिया। इट्स ए प्रोसेस, बॉडी थोड़ा टाइम लेती है एंड वो धीरे 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 फैट को एडप्ट करती है एज ए एनर्जी सोर्स यूज करने के लिए। अगर तूने 5 दिन फास्टिंग की, ठीक है, एंड सैटरडे संडे तूने दबा के खाया, अब जब तू मंडे को इंटरमिटिंग फास्टिंग करेगा तो होगा क्या कि तेरी बॉडी फैट को बर्न नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ग्लाइकोजन के स्टोर्स हैं। एंड दूसरी चीज, जो तूने फैट बर्न किया था पिछले वीक में, वो और ज़्यादा तेरी बॉडी स्टोर कर चुकी है। एंड वापस जब तक तू थर्सडे फ्राइडे तक आएगा, जब तक तेरी बॉडी को वापस हैबिट होगी फैट को बर्न करने की, सैटरडे आ जाएगा, फ्राइडे नाइट आ जाएगी, एंड फिर 2 दिन तू इंटरमिटिंग फास्टिंग फॉलो नहीं करेगा और खूब खाएगा, एंड ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी। और फिर तू सोचेगा इंटरमिटिंग फास्टिंग से तो कुछ फायदा ही नहीं है, छोड़ो। इसके अलावा एक और गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो ये है कि पानी कम पीते हैं। इंटरमिटिंग फास्टिंग में आपका खाना कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वाटर इंटेक भी कम हो जाता है, क्योंकि अब आपको खाने के थ्रू भी पानी नहीं मिलता, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी का ओवरऑल वाटर इंटेक कम हो जाता है, जिससे आपको ज़्यादा भूख लगती है, हेडेक्स, मूड स्विंग्स होते हैं, ओवरहीट होती है बॉडी में, एंड कॉन्स्टिपेशन, एंड सबसे बड़ा किडनी स्टोन्स। भाई मुझे क्या लग रहा है ना, अगर मैं फास्टिंग करूंगा तो यार बॉडी में जान ही नहीं बचेगी, मैं जिम में जाकर वेट कैसे लिफ्ट करूंगा। मैं काम करता हूं, कल से वर्कआउट बंद। अरे पहलवान सिंह, ये एक और बहुत बड़ी गलती है जो काफी सारे लोग करते हैं। उनको लगता है कि हम फास्टिंग कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है वर्कआउट करने के लिए, और हमारे लिए वर्कआउट अच्छा नहीं है। लेकिन बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, पता है तेरे को? और ये सही टाइम है फैट को बर्न करने का, क्योंकि आपकी बॉडी इस वक्त फैट को बर्न कर रही है एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड वर्कआउट आपको और ज्यादा हेल्प करता है फैट को बर्न करने में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वर्कआउट आपको हेल्प करेगा आपके मसल्स को रिटेन करने में, क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं उसमें हम फैट बर्न करते हैं, लेकिन अगर हम वर्कआउट नहीं करते हैं, हमारा फूड इनटेक प्रॉपर नहीं होता है, तो फैट के साथ साथ हमारी बॉडी मसल्स को भी बर्न करना शुरू कर देती है। लेकिन इसमें वर्कआउट हेल्प करता है आपको मसल्स रिटेन करने में। बकवास डाइट है यार ये तो एकदम। मतलब क्या, मतलब पोर्शन साइज भी कंट्रोल करो, कैलोरीज भी कंट्रोल करो, हेल्दी मील्स भी खाओ, अनहेल्दी फूड भी मत खाओ, वीकेंड पे भी इस डाइट को फॉलो करो, तो क्या फायदा? इस डाइट में और दूसरी डाइट में फर्क क्या है? अरे मेरे को नहीं करनी यार ये डाइट। अरे पहलवान सिंह, तू इतना परेशान मत हो, मैं बताता हूँ तुझे इंटरमिटिंग फास्टिंग इतना स्पेशल एंड डिफरेंट क्यों है। ये क्या आपको ऐसा देता है जो बाकी डाइट नहीं दे पाती? डिसिप्लिन। ये आपको खाने का डिसिप्लिन देती है। जहाँ बाकी डाइट में आपको सुबह 7 बजे खाना है या 9 बजे खाना है या इतनी सारी मील्स लेनी है, ये मील्स लेनी है, इस डाइट में वो सब झंझट नहीं। इसमें नंबर ऑफ मील्स कम हो जाती है, बॉडी जल्दी कैलोरीज डेफिसिट पर पहुंच जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, इसलिए ये डाइट थोड़ा सा आसान है आजकल की फास्ट लाइफ में। एंड इंटरमिटिंग फास्टिंग वर्क करता है अगर आप ठीक से डिसिप्लिन के साथ करो। भाई बात तो आपकी एकदम ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं कल से इंटरमिटिंग फास्टिंग शुरू करता हूँ, वो भी एकदम डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ। वेरी गुड। लेकिन इंटरमिटिंग फास्टिंग स्टार्ट करने से पहले मेरी कुछ एडवाइस ले ले। स्टार्ट योर ईटिंग विंडो फ्रॉम द मॉर्निंग, लाइक 9 to 5 या 10 to 6, क्योंकि सुबह हमारी बॉडी को कैलोरीज की ज्यादा जरूरत होती है एंड सुबह के वक्त हमारा मेटाबॉलिज्म ज्यादा फास्ट होता है। आप स्टार्ट करने के लिए किसी भी टाइम से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो कि आप धीरे धीरे मॉर्निंग टाइमिंग की तरफ शिफ्ट हो जाओ। कुछ रिसेंट स्टडीज ने यह बताया है कि इंटरमिटिंग फास्टिंग आफ्टर सर्टेन टाइम, लाइक 3 to 6 months, ज्यादा मसल लॉस करना स्टार्ट कर देती है, जो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ह्यूमंस पर अभी तक बहुत ज्यादा स्टडीज नहीं हुई है इंटरमिटिंग फास्टिंग को लेकर, तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अभी तक हमें नहीं पता है। जैसे कीटो, हमें पता है कि कीटो एक बहुत अच्छी डाइट नहीं है, इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इस डाइट को सिर्फ 3 से 6 महीने फॉलो करो। अगर आप इस डाइट को कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे
तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस डाइट से। कंसल्ट विद अ डॉक्टर इफ यू हैव एनी मेडिकल हिस्ट्री और कंडीशन। इंटरमिटिंग फास्टिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है, जिसके लिए 90% लोग ये डाइट करते हैं, वो है क्विक एंड प्रॉमिसिंग वेट लॉस। ये डाइट आपको हेल्प करते हैं रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन, बैड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, एंड ये डाइट एंटी एजिंग भी है। मे प्रमोट ओवर ईटिंग एंड रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी, ये आपको टायर्ड एंड मूडी बना सकता है एंड मे लीड टू ईटिंग डिसऑर्डर। Guys, if you find this video helpful, please like, comment and share and subscribe to my channel FitCat.